गुस्सा, बवाल, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा और हर तरफ अराजकता। 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हुए बवाल और इसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद यह भयानक तस्वीर वहां देखने को मिली। भीड़ बेकाबू हो रही थी और दोनों पक्षों के लोग सड़कों पर उतर आए और आगजनी करने लगे। आक्रोशित भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस जवानों के भी पसीने छूट रहे थे। इसके बाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभालने वाली बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला एक्शन में आई और इस विकट हालात में एसपी वृंदा शुक्ला ने हेलमेट लगाया, बॉडी प्रोटेक्टर पहना, एल्बो और केन शील्ड धारण किया और लाठी हाथ में थाम कर दंगाइयों से मोर्चा लेने लगी। अपने कमांडर का यह हौसला देखकर पूरी टीम उत्साहित हो गई और फिर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया गया। 14 अक्टूबर को भी वृंदा शुक्ला पूरे दिन प्रभावित महसी तहसील क्षेत्र में सक्रिय रही, पुलिस और पीएसी के साथ गश्त भी की। हिंसा की चपेट में आए इलाकों में जाकर उन्होंने खुद हालात पर नियंत्रण की कवायद की। उनका साथ जिले की जिलाधिकारी मोनका रानी ने भी बखूबी दिया। उस दिन वृंदा शुक्ला के रौद्र रूप को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। इसके बाद से ही आईपीएस अधिकारी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। वृंदा शुक्ला 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली वृंदा ने ग्रेजुएशन के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन वहां मन नहीं लगा तो वे भारत आ गई और सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया। अपने दूसरे प्रयास में वे इस कठिन परीक्षा में सफल हो गईं और उन्हें नागालैंड कैडर मिला। हालांकि 2022 में उन्हें यूपी कैडर दिया गया और उसके बाद अपने काम की वजह से वे सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवरेट अफसरों की कैटेगरी में आ गई। बहराइच हिंसा पर काबू पाने से पहले उन्होंने पूर्वांचल के बाहुबली माने जाने वाले मुख्तार परिवार पर भी शिकंजा कस दिया था। बात तब की है जब 2023 में वृंदा शुक्ला चित्रकूट की एसपी थी। उसी दौरान चित्रकूट जेल में ही मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी बंद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय मुख्तार की बहू निखत अंसारी अब्बास से मिलने जेल में अक्सर आती थी, लेकिन उसकी न तो कोई आधिकारिक एंट्री की जाती थी और न ही वरिष्ठ पुलिस अफसरों को इसकी कोई जानकारी थी। निखत अंसारी जब भी जेल में आती तो उसके पास मोबाइल भी रहता और वे 4-5 घंटे तक वहां रुका करती। धीरे धीरे यह जानकारी एसपी वृंदा शुक्ला तक पहुंची। फिर क्या हुआ, एक बार जब निखत जेल पहुंची तो पहले से किए गए प्लान के मुताबिक शुक्ला वहां पहुंच गई और निखत और जेल अधिकारियों की सारी मिलीभगत का भंडाफोड़ हो गया। इसी दौरान निखत की गिरफ्तारी भी हो गई और इस घटना के बाद वृंदा शुक्ला सुर्खियों में आ गई। कानून व्यवस्था के मामले में बेहद सख्त माने जाने वाली वृंदा शुक्ला नरम दिल मिजाज की हैं। उन्हें कुत्तों से भी बेहद प्यार है और उनके अक्सर अखबारों में लेख भी प्रकाशित होते हैं। बहराइच में फैली हिंसा के दौरान वृंदा शुक्ला ने न केवल हालात को नियंत्रित किया बल्कि वे आला अधिकारियों को भी तुरंत रिपोर्ट भी देती रहीं। नतीजा यह हुआ कि 14 अक्टूबर को दोपहर बाद रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कराया गया और फिर धीरे धीरे पूरे जिले में स्थिति सामान्य करने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया। इस पूरे मामले पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम बहराइच में हैं और यहां पर पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद काफी तनाव की स्थिति रही, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक हालात काबू में हैं। इस वक्त मेरे साथ वृंदा शुक्ला जी हैं जो एसपी हैं और खुद इन्होंने मोर्चा संभाल लिया जब इन्होंने देखा कि यहां पर बवाल बढ़ा। वृंदा शुक्ला जी को लगातार रिपोर्ट्स की जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो अखबार हो, लगातार उनके बारे में लिखा जा रहा है क्योंकि वो बेहद तेज तरार ऑफिसर मानी जाती हैं और योगी जी की फेवरेट ऑफिसर्स में से एक हैं। वृंदा शुक्ला जी, आज 10 साल के अपने करियर में एक ऐसा बवाल जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था उसको उन्होंने काबू में किया। हमारे साथ वृंदा शुक्ला हैं। वृंदा जी, अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है यहाँ के वो ज़रा बताइए।
जी, स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है, सभी जगह बिल्कुल शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। कल हुई डिस्टर्बेंस के बाद आज सभी जगह हमारे द्वारा व्यापक स्तर पे पुलिस बल का की तैनाती की गई है और जितने भी कल प्रभावित गांव थे सभी जगह आज पुनः सुबह भी और शाम में भी डीएम मैडम और मेरे द्वारा सभी जगह भ्रमण किया गया है, लोगों से फीडबैक लिया गया है। कोई भी अभी तनाव की भी स्थिति नहीं है, एकदम सामान्य जीवन है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हम क्योंकि घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये समझें कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं या कुछ लोग डराने वाले हैं जिनको अभी आप लोगों को काबू करना है? नहीं, देखिए जो डिप्लॉयमेंट है वो एहतियात के तौर पे किया गया है, एकदम कल एक सडन स्पर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ है तो इसीलिए हम इतनी जल्दी कोई चांसेस नहीं ले सकते, एहतियात के तौर पे 3 से 4 दिन हम वॉचफुल रहना चाहते हैं। वैसे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है एंड इफ ऑल स्टेज वेल वी विल विदड्रॉ द डिप्लॉयमेंट। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर, क्योंकि सुबह डीएम मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर हमारी जो हैं वो आपको बताएंगी, तो इसलिए मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि हुआ क्या था? अभी प्राथमिक तौर पर जो आप लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक क्या हुआ था, कैसे इस झगड़े की शुरुआत हुई, कैसे राम मिश्रा की हत्या कर दी गई? जी, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं मोस्टली वीडियो फुटेज के रूप में, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 13 तारीख को जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था तो जब वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे म्यूज़िक बजाने को लेके कुछ विवाद हुआ और जिन लड़कों ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति व्यक्त की उस पर उन्हीं के कारण ये कॉन्फ्रंटेशन सारा आपस में शुरू हुआ, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जो कि एक बहुत दुखद घटना में रिजल्ट हुई जिसमें एक हिंदू लड़के की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया, इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई और बहुत जल्द बाकियों की भी गिरफ्तारी होने वाली है, हमने सभी की लोकेशंस पे जीरो इन कर लिया है। लेकिन वो जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसका दुरुपयोग कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया और कल फिर अगले दिन कुछ जो ऐसे थोड़े से संवेदनशील गांव उस क्षेत्र से सटे हुए हैं और वो महाराजगंज जो कस्बा है वहाँ पे कुछ उपद्रवियों द्वारा सांप्रदायिक तनाव की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ लूट की घटना की गई, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति में डिस्टर्बेंस आया और फिर हमको उसको नियंत्रण में लेना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में आपको लेडी सिंघम के तौर पर बताया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हामिद वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, तो क्या लग रहा है कि उसको पकड़ने में आप लोगों को कितना टाइम और लगेगा? बहुत कम समय अब हमें लगेगा, हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं और बहुत जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एक दो सवाल मेरे और हैं मैम, प्लीज उसका आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, हम लोग क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड पर देख रहे हैं और जो बाहर नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या म्यूजिक को लेकर झगड़ा हुआ था? क्या राम गोपाल मिश्रा झंडा उतारने के लिए पहले चढ़ गया था इसकी वजह से झगड़ा हुआ था? और जो उपद्रवी थे जिनके पास हथियार भी थे, जिनके पास ईंट पत्थर या जो भी था, वो उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था? देखिए, ये सब विवेचना का विषय है, इस तरह की जब एक डायनामिक सिचुएशन डेवलप होती है तो उस पर इस तरह एकदम से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो प्राथमिक हमारे पास सूचना है वो यही है कि मस्जिद के सामने से जो जुलूस में म्यूज़िक बज रहा था उस पर आपत्ति की गई, जबकि ये परंपरागत जुलूस है, हमेशा से चलते आए हैं, और उसके बाद जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी वो डिटीरियोरेट होती चली गई और उसी के कारण ये इस तरह की आखिर में घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और बाकी विवेचना का विषय। क्या गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था? जी। और उसके बाद क्या झंडा उतारने की वजह से विवाद बढ़ गया? जी, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके बाद डिटीरियोरेट होता चला गया उसी के कारण। मैम, अभी बहुत सारे घरों पे हमने आज दिन में देखा कि ताला लगा हुआ है, एक सवाल आखिरी सवाल मैम, कि घर में ताला लगा हुआ है तो वो लोग भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं या वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन हो सकता है इसलिए वो लोग डरे हुए? जो उपद्रवी भागे हुए हैं तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी डर के कारण अभी नहीं छुपा हुआ है, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है, सभी गाँव का हमारे द्वारा
भ्रमण किया गया है और सभी लोग अपने अपने घरों पे हैं, कोई भी किसी के भी डर के कारण अपने गांव से बाहर नहीं है अब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वृंदा शुक्ला को, आप सुन रहे थे। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की बहू को अरेस्ट कर लिया था जेल में, जब वो मिलने के लिए आती थी अपने पति से। और इस बार इनके काम को देखते हुए लगातार इनके बारे में लोग जानकारी जुटा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गूगल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इनके बारे में लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही थी कि यहाँ की ना सिर्फ जानकारी बल्कि अभी वास्तुस्थिति यहाँ की क्या है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोगों के भीतर डर है और ये माहौल जो है तनाव अभी भी बरकरार है या ये खत्म हो जाएगा अगले कुछ घंटों में, उस पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि एसपी वृंदा शुक्ला की त्वरित कार्रवाई की वजह से ही हिंसा के हालात नियंत्रित हुए। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि अगर वह जरा सा भी चूक करती तो हिंसा की यह आग बहराइच से निकलकर श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर और गोंडा तक फैल सकती थी। ऐसे में एसपी ने विवेक से काम लिया और जनपद बहराइच के साथ अन्य इलाकों में भी हिंसा को फैलने से बचा लिया।